Hey guys, this is Mukul Sharma, aka Staff Listings. Welcome to yet another episode of Tech Staff. और गाइस शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज माइक्रो मैक्स के साथ। माइक्रो मैक्स का इन नोट वन जो स्मार्टफोन है, फाइनली इस स्मार्टफोन में माइक्रो मैक्स ने इंडिया में एंड्रॉइड 11 अपडेट वाला अर्ली एक्सेस प्रोग्राम जो है स्टार्ट कर दिया। सो यस, अगर आप यूज कर रहे हैं नोट वन स्मार्टफोन, आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है। डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा लिंक, आप जाके अपने इन नोट वन स्मार्टफोन के एंड्रॉइड 11 अपडेट के अर्ली एक्सेस प्रोग्राम के लिए अब अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और गाइस मोटोरोला लॉन्च करने वाला है बहुत जल्दी इंडिया में अपने दो नए जी सीरीज के स्मार्टफोन, मोटो G60 और मोटो G40। ये जो दोनों स्मार्टफोन हैं, इनकी वैसे बहुत सारी स्पेक्स वगैरह ऑलरेडी आपको लीक करके मैं बता चुका हूं, बट आज की वीडियो में बताना चाहूंगा कि यार ये दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स Geekbench डेटाबेस वेबसाइट पे अब हो गए हैं लिस्ट। और Geekbench की अगर हम माने तो इन दोनों स्मार्टफोन्स में हमें देखने को मिलेगा एक Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर, G40 फ्यूजन जो स्मार्टफोन है इसमें होगी 4GB रैम, और G60 जो स्मार्टफोन है, तगड़ा स्मार्टफोन है, इसमें देखने को मिलेगी 6GB रैम। दोनों ही स्मार्टफोन्स Android 11 पे डब्बे से निकालते ही काम करने वाले हैं और इनके Geekbench स्कोर्स जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। एंड गाइस टाइमेक्स ने इंडिया में एक नई स्मार्ट वॉच लॉन्च की है, इसका नाम है टाइमेक्स फिट। ये दिखती कैसी है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। दो अलग अलग इसके वेरिएंट हैं, एक आपको मिलेगा सिलिकॉन स्ट्रैप वेरिएंट जिसकी प्राइसिंग है इंडिया में 69.95 रुपीज, और एक मिलेगा आपको मेटेलिक स्ट्रैप वेरिएंट जिसकी प्राइसिंग है 74.95। इसमें आपको टेम्परेचर सेंसर देखने को मिलेगा, साथ में SPO2 मॉनिटरिंग मिलेगी, और साथ में आपको यहां पे देखने को मिलेगी हार्ट रेट ट्रैकिंग। मतलब यार मेरे को लग रहा है कि ये जो नई स्मार्ट वॉच है टाइमेक्स वाली, ये एक महंगा फिटनेस ट्रैकर है। स्टिल टाइमेक्स फिट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और गाइस माइक्रोसॉफ्ट ने फाइनली अपने माइक्रोसॉफ्ट सरफेस 4 लैपटॉप्स को लॉन्च कर दिया है 13.5 इंचेस और साथ में 15 इंचेस। ये दो अलग-अलग स्क्रीन साइजेस में आपको ये लैपटॉप देखने को मिलेंगे, और इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, फीचर्स क्या है, प्राइसिंग क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और गाइस Asus ने भी दो नए लैपी लॉन्च किए हैं इंडिया में। लैपी इनका नाम है Asus ZenBook Duo 14 और ZenBook Pro Duo 15। जो 14 वाला वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग है 99,990 रुपीज, और जो 15 वाला वेरिएंट है ये थोड़ा सा ज्यादा ही महंगा है 2,39,990 रुपीज, 2.5 लाख के आसपास इसकी प्राइसिंग है। और ये जो दोनों लैपटॉप्स हैं इनको भी अब आप इंडिया में खरीद सकते हैं। और गाइस Samsung Galaxy Book ये भी लॉन्च होने वाली है 28th अप्रैल को, Galaxy Unpacked इवेंट है, और राइट अहेड ऑफ द लॉन्च Galaxy Book जो है इसके रेंडर्स लीक हो चुके हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। दिस इज व्हाट द Samsung Galaxy Book इज एलिजिडली इज रिपोर्टेडली गोइंग टू लुक लाइक। और किस टाइम आ गया है कुछ महंगी वाली अमीरों वाली न्यूज का, तो यार iPhone 13 सीरीज तो लॉन्च होने वाली इसी साल, और इस सीरीज में हमें iPhone 13 मिनी स्मार्टफोन भी देखने को मिलेगा, वो छोटू सा स्मार्टफोन। बट 2022 में लॉन्च होगी iPhone 14 सीरीज, और iPhone 14 सीरीज जो है उसके लीक्स आने शुरू हो गए। कमाल हो रहा है आजकल। और iPhone 14 सीरीज में इस लेटेस्ट लीक की अगर हम माने तो iPhone 14 मिनी कोई स्मार्टफोन होगा ही नहीं, और इस सीरीज में हमें 8K वीडियो की मतलब सुविधा मिलेगी, और साथ में यहां पे 48 मेगापिक्सल्स का होगा प्राइमरी रियर कैमरा। तो यार 6.1 इंचेस और 6.7 इंचेस, ये दो अलग अलग स्क्रीन साइजेस जो है ये हमें iPhone 14 सीरीज में रिपोर्टेडली देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस सोनी ने फाइनली अपने सोनी एक्सपीरिया 1 मार्क 3 और सोनी एक्सपीरिया 5 मार्क 3 स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है। Qualcomm Snapdragon आपको मिलेगा इन दोनों स्मार्टफोन्स में, 888 प्रोसेसर, साथ में वेरिएबल टेलीफोटो लेंसेज मिलेंगे, और यार आपको यहां पे 4K OLED पैनल मिलेगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.5 इंचेस वाला Sony Xperia 1 Mark 3 स्मार्टफोन में। Sony Xperia 5 Mark 3 की बात करें, यहां पे थोड़ी सी कॉम्पैक्ट डिस्प्ले है, 6.1 इंचेस की आपको मिलेगी फुल HD प्लस OLED 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली पैनल। और बाकी इन दोनों स्मार्टफोन्स की स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और ये स्मार्टफोन दिखते कैसे हैं, ये सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और गाइस बात कर लेते हैं अब IQ की। यार IQ 7 स्मार्टफोन सीरीज बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले इंडिया में, अनबॉक्सिंग वगैरह आपको देखने को मिलेगी। और IQ 7 जो स्मार्टफोन है इसका एक नया वेरिएंट, एक नया मेमोरी वेरिएंट चाइना में लॉन्च कर दिया गया। इसमें आपको देखने को मिलती है 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज। अब यार मेरे को लग रहा है कि ये जो प्राइसिंग वगैरह की बात चल रही है ना, इसके चलते IQ 7 लेजेंड स्मार्टफोन इंडिया में भी जब लॉन्च होगा इसमें हमें 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकती है। वैसे इसमें नया क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो वेरिएंट है ये अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता था, 8128 था और 12256 था। यहां पे एक नया 8GB रैम 256GB जो वेरिएंट है ये भी IQ ने चाइना में इंट्रोड्यूस कर दिया, लेके चलो इंडिया में भी हमें ये वेरिएंट जो है ये देखने को मिल सकता है। और गाइस Realme भी यहां पे रुकने का नाम नहीं ले रहा। Realme की मतलब रोज दिहाड़े कोई ना कोई सीरीज लॉन्च होती जा रही है, और यहां पे Realme X9 सीरीज के भी अब लीक आने शुरू हो गए हैं। और Realme RMX 3330 ये एक नया मॉडल नंबर है, इसको मैंने IMEI डेटाबेस पे कर लिया है स्पॉट। और लीक्स की अगर हम माने तो ये जो स्मार्टफोन है, ये जो मॉडल नंबर है, ये Realme
X9 सीरीज को बिलोंग करता है और ये स्मार्टफोन हमें या रादर ये सीरीज हमें बहुत जल्दी इंडिया में भी देखने को मिलने वाली है। और इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बट पहले देख लेते हैं कल का पोल। विच कॉम्बिनेशन वुड यू प्रेफर, एमुलेट प्लस 4G या IPS LCD प्लस 5G? यहाँ पे 79% लोगों ने वोट किया है एमुलेट और 4G को, और 21% लोगों ने ऑफकोर्स वोट किया है IPS LCD प्लस 5G को। तो यार लेके चलो, मेजोरिटी यहाँ पे चाहती है कि हमें एमुलेट पैनल चाहिए, 5G हो या 4G हो, वो ज्यादा मेजोरिटी का यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा। और गाइस आज की वीडियो का पोल सिंपल सा है, क्या लगता है आपको कि यार ये जो मी बैंड 6 है, डू यू थिंक इट विल लॉन्च अलोंगसाइड द मी 11 अल्ट्रा एंड द मी 11 एक्स सीरीज इन इंडिया और नॉट? कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं। सो गाइस वीडियो करते हैं खत्म, लास्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड वंस अगेन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यू कैन डू दैट राइट अवे। जो लाल रंग का बटन है इसको दबाइए और उसके साथ जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको दबाना मत भूलना, सो दैट आपको हमारे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके डिवाइस पे मिलती रहे। और गाइस वीडियो करते हैं खत्म Xiaomi के साथ, Redmi के साथ और Poco के साथ। तो यार Xiaomi का Mi Band 6 जो है ये बहुत जल्दी एशियन मार्केट्स में और इंडिया में अब लॉन्च होने वाला है। हमारी फेवरेट मलेशिया की सीरम सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे Xiaomi Mi Band 6 को मैंने कर लिया है स्पॉट। बहुत जल्दी हमें ये जो स्मार्ट बैंड है इंडिया में भी देखने को मिलने वाला है। वैसे Redmi Note 10S जो स्मार्टफोन है ये भी लेके चल लो, इंडिया में इसके लॉन्च होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और Mi 11 सीरीज के बाद हो सकता है हमें Redmi Note 10S स्मार्टफोन भी इंडिया में देखने को मिल जाए। और गाइस लास्ट न्यूज की बात करें तो लास्ट न्यूज निकल के आ रही है Poco की तरफ से। Poco M3 Pro जो स्मार्टफोन है ये भी अब बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। और ये जो स्मार्टफोन है ये खाली इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, ये पूरी की पूरी एशियन मार्केट्स में लॉन्च होने वाला है। और Poco M3 Pro स्मार्टफोन को आज मैंने स्पॉट किया है TKDN तक दिनाधिन सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे। तो लेके चलो यार एशियन मार्केट्स में Poco M3 Pro जो स्मार्टफोन है 5G स्मार्टफोन होगा। ये इस सर्टिफिकेशन पे 4G लिखा होता है हर स्मार्टफोन को, ये 5G स्मार्टफोन होगा बहुत जल्दी भैया। Poco M3 Pro स्मार्टफोन अब हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। सो गाइस ये थी आज की सुबह की टेक स्टफ। आई होप आपको हर बार की तरह आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं शाम को फिर से टेक स्टफ के एक और एपिसोड में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, फलते फूलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। पीस। जय हिंद।